कैन यू सी इतनी सारी सब्जियां खराब हो गई, मतलब पूरा डस्टबिन भरा हुआ है सब्जियों से। एंड आई जस्ट क्लीन द बास्केट यार, मतलब 1 वीक भी नहीं जाता है फ्रिज में भी सब्जियां खराब हो जा रही है। और अभी जो बचा कुछ है ना, आई एम गोइंग टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, वरना ये भी सब खराब हो जाएगा। सो द बास्केट इज क्लीन नाउ, लेट्स फिक्स दिस। और मेरे फ्रिज की हालत कुछ ऐसी है, आई नीड टू फिनिश दीज मैंगोज, भी थोड़े से चीज़ है। ओके, वन मोर मैंगो। ओके, ये कच्चा वाला आम मैं लेके आई थी, इसको सामने रखती हूँ वरना ये रह जाएगा। एंड देन ओह गॉड, आई हैव दिस लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा जो कि मुझे ख़त्म करना है। ऑल्सो यशु ने यहाँ पर ग्रीक योगर्ट बनाया हुआ है, सो आई हैव टू फिनिश दैट एज वेल। यहाँ पर भी इट्स पैक्ड, ओ गॉड। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई फ्रिज, इट्स ऑल पैक्ड। बट ओके, सो छोटे मोटे काम जो भी थे मैंने वो ख़त्म कर दिए। अभी मुझे एक्चुअली फ्रिज भी क्लीन करना है प्रॉपरली, बट वो मैं अभी नहीं करूँगी। और वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद मुझे लगातार 2 दिन का ऑफ मिला है, सैटरडे एंड संडे। यूजुअली हमारी सिर्फ संडे को ऑफ होती है और संडे पूरा दिन मेरा क्लीनिंग में निकल जाता है, बट आज सैटरडे संडे 2 दिन लगातार ऑफ है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे कंटेंट भी मैं फिल्म करके रख लूँ, और शॉपिंग भी जाना है मुझे, कुछ सामान लेना है तो मैं वो भी करूँगी। अभी नहाने के बाद मैं लॉन्ड्री करूँगी, और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल नहाने को मन नहीं कर रहा। मेरा बस मन कर रहा है कि मैं बैठ के कुछ देखूँ, नेटफ्लिक्स पे चाय पीऊँ और ब्रेकफास्ट करूँ और बस लेटी रहूँ। पर मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये दिखते दिखते मंडे आ जाएगा, एंड देन आई विल रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं अच्छे से यूटिलाइज़ किया टाइम को। अभी सारा काम हो चुका है एंड लुक एट माई कंडीशन। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब थोड़ी देर में एकदम पसीना पसीना हो जाता है। मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पूजा कर लिया, अब मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा है, 2 पीसेस को मैं गरम कर लूँगी। एक्चुअली बस हाफ मैंने खाया था और हाफ बचा हुआ है, तो इसे हम गरम करेंगे अच्छे से। ओके, और यहाँ पर मैंने 2 मैंगो को अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट। ये ग्रीक योगर्ट याशु ने घर पे ही बनाया है, तो इसको डालने से ना थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क भी डालूँगी, और यहाँ हाफ स्कूप वे भी मैंने डाला है, तो मैं इसको फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। आई हैवन डन माई स्किन केयर और मेरे बाल बिल्कुल स्वेटी हो गए हैं, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:30 और ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना डे प्लान करूँगी। ऑलरेडी मैंने इसमें सारे टास्क आज के लिए लिख दिए थे, तो आई जस्ट नीड टू चेक कि सही से जा रहा है कि नहीं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई एम स्टार्विंग। सो नाउ कमिंग बैक टू माई प्लानिंग फॉर द डे। वाह ग्रेट, अभी पावर कट हो गया है। जब भी मैं कुछ प्लान करके बैठती हूँ ना, वो कभी नहीं होता। अभी पावर कट हो गया है, तो अभी तो रिकॉर्डिंग होने से रही, बट लेट मी जस्ट चेक कि मेरा क्या क्या काम आज बचा हुआ है। बट ये वीक मेरा काफ़ी मेस्ड अप रहा है, आप देख सकते हो। मंडे के बाद है ना, मंडे का ये काम सब हो गया था,
उसके बाद यू कैन सी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आई जस्ट डिडंट गेट द टाइम टू स्केड्यूल एनीथिंग और मेरे हाथ इतने गंदे लग रहे हैं मतलब आई रियली नीड टू पैम्पर देम बट वो हम बाद में करेंगे. तो फिलहाल अभी आई जस्ट गॉट डन विथ लॉन्ड्री आई ऑल्सो गॉट डन विथ यूटेंसिल्स क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके आई हैव टू अरेंज क्लोथ्स आई हैव टू मेक हेयर ऑयल एंड उसके बाद कंटेंट फिल्म करना है. नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय मेडिसिंस एंड डू सम शॉपिंग. और ये जो है दिस इज़ माई एवरी डे रूटीन. मंडे टू सैटरडे तो ऐसा चलता है बट वीकेंड को आई वेक अप रियली लेट. तो वीकेंड को ये रूटीन बिल्कुल फॉलो नहीं होता है और आज भी छुट्टी है तो आई डिडंट फॉलो एनी ऑफ दीज. और इसमें से जो भी काम नहीं होगा दैट आई विल डू टुमारो एंड ऑल्सो आई हैव टू एडिट द वीडियो फॉर टुमारो. सो येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई जस्ट रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम Amazon. सो आज ऐसे भी बहुत सारे पार्सल आने वाले हैं कुछ और Myntra के पार्सल. और इसमें पता नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया था मुझे याद नहीं है. कुछ एक आध छोटी छोटी चीज़ें थी बट लेट्स सी. सो इसमें आया है चिया शीट. ओह मैंने ये वुडन कोम ऑर्डर किया था. ये वो वाला जो पैडल ब्रश होता है ना वुडन का वो है. सो लेट्स जस्ट सी कैसा आया है. तो दिस इज द ब्रश एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा है. मैंने सुना है कि जब आप वुडन का ब्रश यूज़ करते हो और अच्छे से स्कैल्प में प्रेशर डाल के फिर ब्रश करते हो ना तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. और इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले मैंने इतने प्रोडक्ट जमा कर लिए. इसके साथ ऑलरेडी ये ब्रश क्लीन करने वाला फ्री आया है. इफ यू कैन सी इट्स फ्री. सो दिस इज़ द ब्रश क्लीनर मतलब पैडल ब्रश कोई भी हेयर ब्रश आप इससे अच्छे से क्लीन कर सकते हो. ये बहुत अच्छे से जो भी हेयर वहाँ पे जमा हुआ है उसको निकाल देगा. तो ये इसके साथ ऑलरेडी फ्री आया हुआ था मतलब आया है मुझे पता नहीं था. और मैंने अलग से इसे ऑर्डर भी कर लिया. मतलब ये आप देख पा रहे हो ये दो का सेट है. ये दो का सेट था 143 का और इसके साथ एक और वुडन कोम फ्री मिला है. वाओ मतलब वुडन कोम के साथ क्लीनर फ्री मिला है और क्लीनर के साथ छोटू सा वुडन कोम फ्री मिला है. तो इट्स गुड लाइक 143 में ये दो और इसके साथ एक ये फ्री है. तो इट्स गुड मतलब ट्रैवल के टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं. सो या दैट्स इट. Okay, so I just forgot to record the entire process of making this hair oil, but इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है. इसमें बस मैंने मेथी कलौंजी प्याज और करी लीव्स डाला है और एक दो लौंग भी. तो ये जो हेयर ऑयल इसको मैं आराम से 15 से 20 दिन या एक महीने तक भी आप आराम से लगा सकते हो. और जब से ये वाला हेयर ऑयल बना के मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है ना तब से हेयर फॉल इतना कम हो गया है. ऑफकोर्स मैं बाकी की चीज़ें भी करती हूँ बट मैं कोई भी बाहर का हेयर ऑयल अभी लगा के नहीं यूज़ कर रही हूँ. सो कम्प्लीटेड फिल्मिंग वन वीडियो और दिस इज़ द मेस आई हैव क्रिएटेड. मतलब आधा मैंने समेट लिया है उसके बाद ये बचा है. आई कुड जस्ट फिनिश वन वीडियो.
जो कि नायका का हॉल वीडियो था, मैं वही ख़त्म कर पाई और गर्मी से मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है। मिंत्रा का वीडियो मैं नहीं कर पाई क्योंकि बार बार पावर फ्लक्चुएट हो रहा है, एसी बंद हो जा रहा है और इतनी गर्मी में इतने सारे कपड़े बार बार चेंज करके पहन के, क्योंकि ये ट्राई ऑन हॉल होने वाला है तो इतने सारे कपड़े पहन के दिखाना मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात को करूँगी या फिर आज रात को बैठ के सारे प्रोडक्ट्स, मतलब सारे जो कपड़े हैं वो दिखा दूँगी और ट्राई ऑन धीरे धीरे करके दो तीन दिन में जैसे जैसे पहनूँगी वैसे वैसे उसके शॉर्ट्स ले लूँगी। तो देखती हूँ रात को मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मार्केट भी जाना है, मुझे सामान खरीदना है बहुत सारा। सो या दिस इज इट, फिलहाल मैं अभी ये सब सारा सब सबमिट करूँ, उसके बाद देखते हैं। और आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी द एंड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। और अगर कुछ रिकॉर्ड की तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ।